हेलो नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जेई मेन की तरफ से। क्या निकल के आ रही हो, क्या निकल के आ रही है दोस्तों? जेई मेन का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो बढ़ा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने, 5 अप्रैल तक आप जेई मेन का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप उसकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। जेई मेन की वेबसाइट पर विजिट करिए, jmain.nta.nic.in, और उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो डेट है वो रिलीज कर दी गई है, यानी कि जो एप्लीकेशन डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ड्यू टू हमारे जैसे कुछ पागल लोगों ने एनटीए को पागल बना रखा था कि भैया हमने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, हम भूल गए थे, हमारे पास टाइम नहीं था, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, ओह मैं तो नानी के शादी में गया था, ओह मेरे दादा की शादी थी, इसके लिए मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रह गया। एनटीए तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म फिर से स्टार्ट करो। एनटीए ने कहा अच्छा, तुम्हारे दादा की शादी है, तुम्हारे नाना की शादी है, ठीक है, मैं वैसे तो फॉर्म रिलीज जो है एक्सटेंड परसटेंड कुछ करता नहीं, तुम्हारे नाना की शादी थी तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया है 5 अप्रैल तक, देखा एनटीए ने। ओके सो यार खूब पढ़ते रहिए, जचा के फोड़ो दो जेई मेन को। जो मेंबरशिप प्लान है वो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, बड़ी अपडेट दे रहा हूँगा मैं। 1 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा, ध्यान से सुनिएगा, काम का वीडियो हो सकता है। पिछले साल एक यूट्यूब चैनल था जिसके ऊपर तकरीबन 40 से 50 हज़ार सब्सक्राइबर थे, वो यार बुरी तरह से लूट रहा था बच्चों का। उसके पास जब बच्चे कॉल करते भैया मेरे को इस स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, स्पेशली IIT वगैरह में, तो स्कैम नहीं कर सकते, लेकिन उन कॉलेजों में वो क्या करता था, स्कैम करता था, बड़ी तादाद में स्कैम करता था। अभी उसका जो चैनल है वो ऑलमोस्ट बंद पड़ा है, और उसका जो वहाँ पे लिखा रहता था क्रेग गिग सर्विसेज के साथ भी इसका टाइप है, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट व्हाट इज दिस इज गुड और बैड। मैं किसी को कोई रोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज फुली फ्रॉड किया, बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया। जैसे IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जा रहे थे उनको बुरी तरह से लूटा, और भी बहुत सारे लोगों को लूटा, जो बाहर के जो लोग थे उनको जस्ट लूटा, अदर स्टेट के लोगों को लूटा। बोलता भैया 7,000 पे करो, जल्दी एडमिशन करा देता हूं, कंफर्म वो एडमिशन करा देता क्योंकि वहां पे सीटें खाली थी। जी हां बिल्कुल ठीक सुना तुमने, ऐसे लोगों को एक भी पैसा पे नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ऐसे लोगों को एक भी पैसा बिल्कुल पे नहीं करना है। तुरंत लात मारी ऐसे लोगों, तुरंत ब्लॉक मारी ऐसे लोगों को। और मुझे नफरत है उन लोगों को जो यूट्यूब में बीच में यूट्यूब के वीडियो में आके बोलते हैं हेलो अनअकैडमी का मेला थप्त क्लिप्टन ले लो, दिस इज वेरी बैड, और यार तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम है साला, क्यों इसको बर्बाद कर रहे हो तुम लोग? क्या मिलता है तुमको 5 रुपए के अनअकैडमी के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है? 2 मिनट के अंदर बोलने लगते हो अनअकैडमी का कॉम्बैक टेस्ट आया, फलाना 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 मेरा कोड यूज कर लो, मैं 5 रुपए कमा लूंगा। भाई मेरे को ईमेल कर दे, 10 रुपए तेरे को मैं ऐसे ही व्हाट्सएप कर दूंगा, तेरे को मैं ऐसे ही 10 रुपए पेटीएम कर दूंगा। क्यों बच्चों को परेशान करते हो? साला अनअकैडमी का क्लिप्टन लेकर आया हूं, क्या रखा है ऐसी चीजों के अंदर? खूब पढ़ाई लिखाई करते रहो बच्चा पार्टी, IIT JEE एडवांस सब कुछ फोड़ दो तुम लोग, तुम कर सकते हो गाइस, यू कैन डू इट, कम ऑन। और तुम्हारा जो जेई का जो करेक्शन का जो इश्यू था वो हो सकता है कि तुम्हारा ओपन हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो अगर तुम्हारे कोई अगर इश्यू आता है तो तुम जो है काउंसलिंग के टाइम पे ठीक कर रहे होंगे, वहां पे तुम्हें मौका मिलता है ठीक करने का। बस फर्स्ट इंपॉर्टेंट यही है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे अच्छे आने चाहिए, जैसे मोदी जी बोलता है देश रहना चाहिए, वैसे तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए। दिस इज जेई मेन, और फोड़ दो और दिखा दो दुनिया को कि हम भी किसी से कम नहीं है। ओके तो जस्ट झुकेगा नहीं साला, दिस इज प्रूव कर दो कि मैं झुकेगा नहीं साला। जेई मेन मार्क्स भी लाएगा लेकिन झुकेगा नहीं साला, कम ऑन, क्या जेई मेन में मार्क्स लाएगा लेकिन झुकेगा नहीं साला? सो झुकना नहीं है बिल्कुल, मार्क्स ही लाना है। दिस इज योर वन मेथड जिसके तुम जो है अपने दुश्मन से बदला ले सकते हो, अपने गर्लफ्रेंड जिसने तुम्हें धोखा दे दिया है साला, बोली कि अपनी शक्ल तो देख, मेरे जैसे लोगों को बोलती है शक्ल तो देख, अपनी छोटा सा बच्चा पढ़ाई लिखाई तो करता है नहीं, दूध पी जाके हैं उसको दिखा दो साला IIT, ये स्टेक IIT, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा ठीक है। अगर तुमने एक बार अगर IIT क्रैक कर लिया ना, ठीक है, तुम्हारे दूर के रिश्तेदार भी अपने 6th क्लास में जो बच्चा है, 9th क्लास में जो बच्चा है, 11th क्लास में जो सुंदर लड़की है ना, वो भी तुमसे पूछने आएगी टिप्स कि भैया मुझे भी कुछ टिप्स बता दो कैसे कैसे क्रैक होता है IIT, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो जस्ट उसके लिए तुम्हें पढ़ना है, कम ऑन गाइस, क्या करना है, पढ़ना है। और जो बच्चा IIT गया ना, तो मान लो सक्सेस, ठीक है, सक्सेस, यस टेक सक्सेस, तुम्हारा जो घर वाला है, तुम्हारा जो डैडी है, ठीक है, जब गुजरे ना तो
अपने दोस्तों को गए, यस टैग मेरा बेटा आईआईटी में है, कम ऑन, क्या मेरा बेटा आईआईटी में है, साला तुम्हें इतना बड़ा किया है, तो क्या तो कुछ तो उनको खुशी दो, इतने दिन से उनको परेशान ही परेशान किए जा रहे हो तुम स्कूलों में, ठीक है, एकदम गुजरे ना गाड़ी लेके, यस टैग मेरा बेटा आईआईटी गया, मेरा बेटा आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा है, मेरा बेटा आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है, ऐसा कुछ जज्बा होना चाहिए, ठीक है ना। तुम जब जाओ ना तो लाइनें लगनी चाहिए, भैया ऑटोग्राफ चाहिए मुझे, भैया मेरे को आपको सेल्फी लेना है, यस टैग, ठीक है, और आप जो है एकदम सेलिब्रिटी की तरह से स्पीड से गुजर जाओ, क्या गुजरा है साला, ठीक है। तो जस्ट वो वाला होना चाहिए सीन, ओके। जस्ट आप बाहर भी निकलो ना कहीं, क्या 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 करे, क्या क्या फोड़ा है जनाब, ठीक है, वो वाला मोमेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। जस्ट आईआईटी क्रैक हो जाता है ना, जस्ट आप मार्केट में जूस पीने भी जाते हो तो वहाँ पे जो भी लोग मिलते हैं तो सिग्नेचर करवाते हैं, सच बता रहा हूँ, सिग्नेचर हाथ पे ले लेते हैं, ऑटोग्राफ चाहिए भैया आपका, सेल्फी चाहिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाते हैं, आईआईटीएन फ्रेंड, आई एम ए बिग फैन ऑफ आईआईटीएन, इलोन मस्क की तक की उपाधि देते हैं हमारे जैसे लोगों को, ठीक है, पागल, दिस दिस हैशटैग पागल, हैशटैग आईआईटीएन पागल, ठीक है, लोग उदाहरण देंगे भाई तुम्हारा, लोग उदाहरण देंगे कि हमारे साथ पढ़ता था एक पागल लड़का था, आईआईटी चला गया, ठीक है, अपने बच्चों को उदाहरण देंगे, ठीक है, जब तुम बड़े हो जाओगे उस मोमेंट के लिए पढ़ना, ठीक है, तब तक के लिए फिल्में शिल्में कुछ नहीं है, छोड़ दो ब्लास्ट एकदम खत्म खटाक, ओके, फोड़ दो साला।